हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग। तो हम आ चुके हैं इंडिया में और इसलिए हम बहुत दिन से गायब थे। इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा हम क्या कर रहे थे। अब यहाँ पे कैसे कैसे सवाल करेंगे इमिग्रेशन पे वाले। मैं बताती हूँ कहाँ से आए हैं, किधर रहते हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, आईडी दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, वहाँ की आईडी दीजिए, यहाँ की आईडी दीजिए, वहाँ की आईडी, यहाँ की आईडी, हर जगह की आईडी दीजिए। और फिर भी पहचान पत्र आपकी नहीं बता पाएंगे। चलिए दफा हो जाइए। चलिए निकलिए, हो गया आपका 15 मिनट आपके चूस लिए, चलिए निकलिए। माल्या माल्या तो भाग गया, माल्या भाग जाए और नीरव जी, नीरव भाग जाए, वो सब भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी कैसे आसानी से निकला जा रहा है, कैसे उसकी हम ऐसी की तैसी ना निकलवा दें। बच्चे देखिए तो हम मजाक कर। सो जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, पापा ऑलरेडी वहाँ पे थे। मतलब ये इस बात का तो रिकॉर्ड है कि जब से शादी हुई है पापा एक मिनट भी नहीं लेट हुए। इस बात के लिए तो हमें वाकई बहुत बहुत ज़्यादा ही स्पेशल फील होता है। तो क्या कहते हैं आप लोग, होगा कि नहीं होगा? और ये मामू की दुलारी हैं, पापा की दुलारी हैं। और सारा का रिकॉर्ड रहा है कि सारा बचपन से, जब से वो 10-20 दिन की थी, जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया आई थी, उस टाइम से लेकर के अब तक वो नानू की गोदी में उसे चढ़ना ही चढ़ना। ये देखिए चढ़ गए एकदम, और नानू को बिल्कुल भी थकान नहीं होती, नानू की दुलारी जो है। तो जैसे ही हम इंडिया में लैंड करते हैं ना, तो उसके बाद जो एक चाम है, जो खुशी है, वो हमारी मतलब दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग घर पहुँच चुके थे और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जनाब को स्पेशल फील कराने के लिए डेकोरेशन की गई थी, क्योंकि उनका बर्थडे था। तो क्या कहते हैं आप लोग, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डरेगी अभी, डरेगी नानी। हाँ, नानी को तो पहचानना चाहिए। मम्मी के पास चली गई फिर। हाँ नहीं, वो मुझे देख के रोने लगती है। इकरा बेबी, व्हाट आर यू डूइंग? सो फाइनली वी आर बैक टू होम। बैक टू होम क्या मतलब, घर पहुंच चुके हैं। और घर पहुंच के हमें पता चला कि हमारी कौन आई हुई है, आंटी आई हुई है। तो आंटी से मिलाते हैं आपको। रूबी आंटी आई है। थोड़े से सब कैमरा कॉन्शियस हैं क्योंकि पहली बार व्लॉग में आ रहे हैं, बट स्टिल आई वॉन्ट कि आप सब लोग मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फैमिली से भी मिले। सो ये है हमारी आंटी, रूबी आंटी इनका नाम है। सो सबसे बड़े हैं मेरे पापा के बाद है जमीर अंकल, उसके बाद है हमारी ये आंटी, मतलब उनकी वाइफ। और ये रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में। हम लोग इतना नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हम लोग रहते हैं दोहा में, आंटी रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये इकरा को पहली बार देख रही है और इकरा आंटी को ही देखे जा रही है, आंटी को देख लेकिन इकरा डर रही है कि कोई मुझे ले ना ले, मम्मा को नहीं छोड़ रही। तो आंटी क्या प्लान है फिर? इंशाल्लाह आज हम लोग निकलेंगे कानपुर के लिए। हाँ, शॉपिंग शॉपिंग शादी शादी। तो क्यों आए हुए हैं हम लोग स्पेशली, हमारे घर में एक शादी है तो हम उसको अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। और सब लोग एक्साइटेड है, सब लोग इकट्ठा हो गए। ये पहली शादी होगी जिसमें सभी लोग आ रहे हैं, मतलब लिटरली घर के सारे फैमिली मेम्बर्स आपको मिलेंगे। और मैं सबका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि मेरे दादी साइड कितने सारे लोग हैं, सब लोग बहुत मस्त, बहुत औसम है, और आप लोगों को सब देखने को मिलेंगे। तो आंटी कुछ हमारे लिए क्यूट क्यूट से गिफ्ट्स भी लेके आई है, सो आंटी दिखाएंगी। आंटी सो ये पाकिस्तानी सूट्स हैं। सो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस भी देखते हैं, उनको पता ही होगा, उनके सूट्स इंडिया में बहुत पहने जाते हैं, बहुत चलते हैं। आंटी कह रही है तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। और आंटी यहाँ इकरा और सारा के लिए भी बहुत सारे क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस लेकर के आई थी, बहुत सॉफ्ट सी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमने ढाबे पे ढाबा बोल दिया ना फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया। आपको तो पता है हमें खाने पीने का, ठूसने का, घूमने का कितना शौक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हमने आके खा लिए थे तंदूरी मोमोज, और फ्रेंड्स हमारा पेट नहीं, हमारा नगाड़ा है फ्रेंड्स, वो भरा नहीं था फ्रेंड्स। तो हमने खा ली थी चाट, बहुत अच्छी लगी थी। चाट वाले भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने चाट दी, उसके साथ हमें इज्जत भी दी फ्रेंड्स। जो हमारी चली गई थी ना, वो थोड़ी थोड़ी देते जा रहे थे हमें। देखिए मुझे कितना मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स। और ये चाट वाले भैया बहुत अच्छे थे, इनका दिल बहुत अच्छा था, इनका दिल बहुत बड़ा था, और हमने इतना ठूसा कि हमारा बिल भी बहुत बड़ा था। लेकिन फ्रेंड्स मज़ा आया, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है ना फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सी सबसे जाके लेनी पड़ती है फ्रेंड्स, जो चली गई थी फ्रेंड्स।
तो ये जब हमारी सोसाइटी में, तो यहाँ पे गरबा चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, मन तो कर रहा था एडी के साथ गरबा करूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। और मुझे तो लग रहा था जनाब को यहीं बुला के गरबा करा दूँ, वैसे भी जनाब आजकल हवा में बहुत उड़ रहे हैं, उनकी झलक दिखला जाए, मैं झलक देखने का बहुत बेताब, बहुत ज़्यादा इंतज़ार है फ्रेंड्स, जब उनकी परफॉर्मेंस रिक्रिएट करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। आप देख रहे हो चेहरे की चमक, देख रहे हो मेरी इंडिया में आके, मुझे लग रहा है यहीं रह जाऊँ। और यहाँ पे सारा एक एंजॉय करी थी, ये थी हमारी सोसाइटी। और फिर उसके बाद में बिना बाइक राइड कैसे मज़ा आ सकता है, तो ये जो जनाब है, मतलब मेरे जनाब जो फैजी जो है, उन्होंने जो बाइक ली थी मुझे ध्यान में रख के ली थी कि मैं आराम से बहुत ही पीसफुली इस पर बैठ सकूँ, मुझे बैठने में कोई कंफर्ट ना हो। लेकिन जो हमारे मीरा रोड वाले जनाब है ना, उन्होंने बाइक जो ली है ना, उसमें मैडम कंफर्टेबली बैठ नहीं पाती, अगर आपने देखा हो मैडम की टूई ऊपर हो जाती है उसमें। फ्रेंड्स फिर से हम आ गए थे गोलगप्पे खाने, मतलब ये गोलगप्पे वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, इनके पास चार तरीके की इज्जत थी, थोड़ी थोड़ी सब में से निकाल निकाल के देते जा रहे थे फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा इज्जत तो इन्होंने ही हमें दी, जो हमारी चली गई थी फ्रेंड्स। देखिए भैया कितने प्यार से इज्जत दे रहे थे, इनका दिल बहुत बड़ा था, ये दिल के बहुत अच्छे थे, मैंने पूरा झांक के देखा, ये भैया बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, और इन्होंने तो हमसे पैसे भी नहीं लिए फ्रेंड्स, तो ये उस हिसाब से तो और भी अच्छे हुए फ्रेंड्स। हमने बोला हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, तुम्हारे यहाँ चार लोग आएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे शादी में जाना था, तो शादी में जाने के लिए कपड़े बनवाने ज़रूरी है, लेस हम लेस करनी ज़रूरी है, तो मैंने टेलर को डाल दिए थे कपड़े, और कपड़े डाल के मैं फिर से घूमने निकल पड़ी थी फ्रेंड्स। फिर से भूख लगाई थी फ्रेंड्स, ये वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमें चाट दी और इन्होंने भी हमें इज्जत दी, और इसके बाद इनका भी बिल भी बहुत बड़ा आया था हमारे नगाड़े के जैसे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चाट खा के जो सुकून मिलता है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो फिर से हम लोग लेस हम लेस करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए निकल पड़े थे, और हम आ गए थे रजौरी गार्डन में, और वहाँ से हमने करी थी बहुत सारी शॉपिंग। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी शॉपिंग हो चुकी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं शादी की, और हम लोग थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड करें जिससे कि आपको पूरा दिखा सके कि हम लोग कहाँ बिजी थे, और आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम निकल चुके थे शादी के लिए, क्योंकि जो शादी का वेन्यू और लोकेशन थी वो थी लखनऊ, और यहाँ हम निकल चुके हैं। ये थी सुबह के टाइम, 5 बज रहे थे, हमारी शताब्दी की ट्रेन थी, और यहाँ सारे बच्चे एक्साइटेड थे, और इकरा की ये फर्स्ट ट्रेन जर्नी थी, एंड देन वी वर वेटिंग हियर। और जैसे ही कोई ट्रेन आती थी, हॉर्न बजता था, इकरा बिल्कुल अलर्ट हो जाती थी, उसके लिए फर्स्ट टाइम ये सब था। तो फाइनली वी आर हियर इन द ट्रेन, बहुत सेटल डाउन हो चुके हैं, पीसफुली बैठ चुके हैं, खाना पीना खाया, आराम से बहुत ही सुकून से पीसफुली पहुंच चुके थे। हमेशा हेल्दी खाया करिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमेशा हेल्दी खाया करिए तला हुआ कटलेट। तो हम पहुंच चुके थे लखनऊ में, और लखनऊ के लिए सब लोग कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में, बट मुझे ये नहीं समझ आता फालतू में मुस्कुराएंगे तो लोग पागल नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा था, ये बहुत ही अच्छी और क्लीन लोकेशन थी, यहाँ होटल में हम लोग तैयारी करते क्योंकि इस दिन था हल्दी का फंक्शन जिस दिन हम पहुँचे थे। तो जल्दी जल्दी जाके फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के साथ ही बच्चों को पहले तैयार किया, और उसके बाद मैं खुद तैयार हुई। सो ये लग रही है हमारी प्रीति बाबू इकरा, सॉरी सारा, सारा इकरा में थोड़ा कन्फ्यूजन है, सारा बहुत अच्छी लग रही है, और सारा फर्स्ट टाइम सूट पहन रही है, तो सारा थोड़ा तरा रही है। और हम लोग पहुँच चुके हैं वेन्यू पे, मतलब हमारे घर पे, फुप्पी के घर पे, मेरी फुप्पी की लड़की की शादी है। लबीब भी तो रह गया, हमारा लबीब रह गया। क्यों इकरा, इतने सारे मामू इकरा के हैं, माशाल्लाह इतने सारे मामू हैं इकरा बीबी के। और यहाँ सारा ने अपनी सारी सहेलियों को इकट्ठा कर लिया था, इन्जॉय करी थी, मुझे बिल्कुल नहीं परेशान किया। और यहाँ मम्मी अपनी दोनों देवरानी के साथ, मम्मी जिठानी मतलब पापा सबसे बड़े हैं, उसके बाद उनके दो भाई हैं, तो ये मेरी एक आंटी हैं और ये दूसरी छोटी वाली आंटी हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ पे हमारा हल्दी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सो ये हो रही है हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड की एंट्री, जो कि आपको एकदम छोटी सी क्यूट सी लग रही होगी, स्वीट सी। सो माशाल्लाह कहिएगा, और इनको बेस्ट विशेस भी दीजिएगा। सो यहाँ पे सारी हल्दी की रस्में हो रही थी, ये मैं हूँ सानिया के साथ में, और सब रस्में करने के बाद में हम लोग सब ने फोटो सेशन किया, जैसा कि हर फैमिली में होता है। मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाऊंगी। ये जो है हमारी पुप्पियाँ, ये यंगेस्ट नानी है, आप देख ही सकते हो मेरा फिगर थोड़ा गड़बड़ा गया, लेकिन इनका अभी तक वैसे ही। क्या खाया आपने पहले ये बताओ आप। दादी के जीन्स, ये जीन्स इनमें चलेगा, कुछ भी नहीं आए। तो ये नेक्स्ट डे हो चुका था, ये मेहंदी का फंक्शन था 4 नवंबर को,
और अगेन हमारी ब्राइड बहुत ही स्वीट प्यारी लग रही है, इतनी क्यूट सी लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसका शादी का टाइम आ चुका है। आप खुद ही देखो कितनी छोटी सी लग रही है, मैं तो इसके सामने चार बच्चों की अम्मा लग रही हूँ। तो ये हमने मेहंदी की भी रस्में करी, सारा फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा था। फिर उसके बाद आपको पता ही है फोटो सेशन तो होते ही हैं यहाँ पे, फिर हम सब ने भर भर के बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और इन सारे मोमेंट्स को दिल खोल के इन्जॉय किया। सो जो फैमिली फंक्शंस होते हैं उनका पर्पस यही होता है कि आप इन्जॉय करो, मस्ती करो सबके साथ में, उन मोमेंट्स को जियो, ना कि सिर्फ कैमरा लेके सबके मुँह पे घुसे रहो। तो इसलिए जो छोटी छोटी क्लिप्स थी ना हमने रिकॉर्ड करी जो हमारी मेमोरीज़ के लिए होगी, और उसी का वीडियो बना के हम एक कंपाइल करके हल्दी मेहंदी बारात निकाह सारे सेरेमनी का एक वीडियो डाल रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले कि वी वर लाइक रियली रियली बिजी। ऐसा नहीं कि हम आपको भूल गए थे, हमें आप लोगों हमेशा याद हो, रोज़ हम आपके कमेंट्स पढ़ते ही पढ़ते हैं और हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि हम आपके सामने आए, मिलें, आपको एंटरटेन करें, हंसाएं और दिल खोल के मस्ती करें। सो ये निकाह हो रहा था और अगेन ये माशाल्लाह बोलिए, बेस्ट विशेस दीजिए, दुआएं दीजिए हमारे ब्राइड एंड ग्रूम को उनकी अपकमिंग जर्नी के लिए, उन दोनों में बहुत अच्छे से मोहब्बत हो, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें। ये थी ब्राइड की एंट्री, माशाल्लाह अगेन शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, स्टनिंग और बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, छोटी सी है, सबसे बड़ी बात आप ये देखो। तो यहाँ पे सारे भाई लोग लेके आ रहे हैं, एंड दिस ग्रूम लुक एट हिम, इतना केयरफुली इतना प्यार से लेके माशाल्लाह और लेके जा रहे हैं उसको, एंड ही इज़ इवन आस्किंग आर यू कम्फर्टेबल, मतलब तुम हो। सो नाउ दे आर गोइंग ऑन स्टेज, यहाँ पे बैठने के बाद बहुत सारी फोटोज लेके। और शादी का मेन डे था जहाँ पे सारे ही रिलेटिव्स ऑलमोस्ट सब हल्दी मेहंदी में तो आ ही गए थे, लेकिन जितने बाकी थे वो शादी मन्ना पप्पी साहब मिल लिए, मन्ना पप्पी से रोज मिल रहे हैं, मन्ना पप्पी बहुत खुश है, मन्ना पप्पी बहुत खुश है, मिलके बहुत खुश हुई है, बिल्कुल अच्छा लगेगा भाई सुन के, मजा आ गया। आप ब्लॉग में आएंगी? हां इसको पकड़ लेते हैं, नेहा से मिलना, नेहा से मिलना, तुम लोग का नहीं छूटता, हम लोग ब्लॉग देखते हैं, हमारे ब्लॉग में मजा आता है, हां बोलो ब्लॉग देखते हैं, अगर पता है तो जाना चाहिए। हां ये पार्टी का तो होता है कि इंसान जब थका है तो उसको खुशी मिलती है, दे दो इंट्रोडक्शन एक बार। ये है हमारे खुप्पी की ननद, ये भी बहुत करीबी है, शारिक की ननद, शारिक मतलब मेरे बचपन का दोस्त, बचपन के शैतानी वाला दोस्त, बचपन में बहुत शैतानी करते थे मैं और शारिक, और उनकी खुप्पी है और ये मेरी भाभी, उनकी भाभी, ये हमारी भतीजी, हमारी भतीजी, और ये मन्ना खुप्पी है, और इनको तो साथ मेरी फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड बचपन की, ये हमारी खुप्पी है, बड़ी खुप्पी, दो खुप्पी है मेरी, उसमें सबसे बड़ी खुप्पी है, और इन्हीं की बेटी की शादी है जिसमें हम आए हैं, और माशाल्लाह से अभी निकाह हो चुका है, खुप्पी को बहुत बहुत मुबारक हो, खुप्पी बहुत खुश भी है, कैसा है आपका दिमाग है? मुझे तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, एकदम लंबा चौड़ा, एकदम स्मार्ट है, खुप्पी बताना चाहिए, अच्छा मैं तो अपने ब्लॉग देखेंगे ना, उन्हें पता होना चाहिए कैसा दबाव लगा, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और सपोर्टिव है, अब हम अकेले नहीं है, हमारे साथ भी कोई है, अब इनके साथ में इनका जोड़ीदार आ गया, अब नेक्स्ट शादी में इंशाल्लाह दोनों दफा दवाल अपना जोड़ी बना लीजिएगा, अब शारिक की शादी में दवाल होगा इंशाल्लाह, शारिक का फैसला जो भी है, शारिक फैसला किसी की भी हो जाए बस ऐसा, लेकिन उसके लिए ऑस्ट्रेलिया भाई बहुत ज्यादा महंगा टिकट है, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप पहले से बताना, फिर हमें सेविंग करनी पड़ेगी, टिकट कैसे बुक करेंगे फिर, सिक्स मंथ्स में हो जाएगी हमारी सेविंग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश जारी है, बट इंशाल्लाह इंडो ऑस्ट्रेलियन ड्यूटी जा रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, तो आंटी को कैसे जमेगी इनको इंडो ऑस्ट्रेलियन, जमीन अंकल वो कह सकते हैं, तो
तो ये हमारे अंकल है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ये आंटी है, ये दोनों मतलब रियल है एकदम, वैसे तो बहुत है। और ये हमारी आंटी है, रूबी आंटी है हमारी, ये तो जानते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आंटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया किस चीज में, ये सारा और अच्छी लग रही है, तो लग रहा ही ना हो रहा है। आपसे भी मुलाकात हो गई है, जमीन लिटिल बिट ऑफ फन, लिटिल बिट ऑफ सैक्रिफाइस एंड टीम वर्क, यस बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है। दिखता ना हो बट आई हैव, कहने का मतलब ये है कि लेडीज के साथ मसले ज्यादा होते हैं। क्यों भाई? भाई लेडीज के साथ क्या है, बाल ठीक है, सुर्खी पाउडर व्हाटएवर जो भी होता है, अच्छा फिर ज्वेलरी होती है, ये होता है वो होता है, मतलब फलाना दिमाग बहुत है, कहने का मतलब ये। तो तभी तो लेडीज अच्छी लगती है, सिंपल ये पहना ये पहना ये पहना, दैट्स इट खत्म क्लास। और पापा और ये दोनों रियल भाई है, बुलावा का रेहान का फोन आता है कि सानिया आने वाली है। अच्छा अच्छा, जॉब भी है, दोनों जने बिल्कुल बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी फैमिली के सब लोग, माशाल्लाह से इतने दिन बाद मिले लेकिन लगा नहीं है ना, सब लोग बिल्कुल पहचान गए। सबसे बड़ी बात, मैं तो शकीला दादी को बहुत अच्छे से फैजी से पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत पहले से बता चुकी हूँ कि, लेकिन इतनी अच्छी है ना सब, हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हाँ फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन दादी से तो मैं बहुत बार मिली, सब बहुत बार कि आप मोदार से कितना जानते हैं ना, हमारे बहुत सारे लोग मोदार से जुड़े हुए हैं और सब लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, सबको अच्छा लगता है। तो इधर हम लोग जा रहे थे स्टेज पे ब्राइड और ग्रूम से मिलने के लिए, और ये वो टाइम था कि जब हम ग्रूम से फर्स्ट टाइम मिलते थे, और इधर पूरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली आप देख सकते हो, हम लोग एक ग्रुप सेल्फी ले रहे थे। और इस रस्म को हमारे यहाँ बोलते हैं सलाम कराई, जो कि लड़की की विदाई से कुछ टाइम पहले की होती है, जिसमें सारे लोग आके ग्रूम से पर्सनली मिलते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, उनसे हल्का फुल्का इंटरेक्शन करते हैं जितना पॉसिबल होता है कुछ ही टाइम में। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है सानिया के लिए, फुप्पी के लिए इतना प्यारा अच्छा दामाद मिला, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये मोमेंट होता है जब आपकी लाइफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू होती है और आपका लाइफ पार्टनर अच्छा हो, सपोर्टिव हो, साथ में हो, तो आगे की लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, आपको मज़ा आने लगता है ज़िंदगी जीने में, हर कोई आपके साथ हमेशा होता है एज अ बेस्ट फ्रेंड। सो मेरा तो फंडा ये है कि लाइफ में हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स होना चाहिए, और यही हम इनके लिए भी दुआ करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स की जैसे रहें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहें। और यहाँ पे विदाई का टाइम हो गया था, ये तो आपको पता ही है बहुत इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। ये हो रहा है हमारा चेकआउट, हमारा ये रूम, ये रूम, ये रूम, सारे रूम खाली, हाउसकीपिंग चालू, हमारे जाने के बाद दूसरे के आने की तैयारी। चलो बढ़िया रहा भाई, बहुत ज़्यादा एकदम, इट वॉज अ लवली स्टे। सो नेक्स्ट डे हम लोग शादी अटेंड करके निकल चुके थे वापस घर के लिए, और इसीलिए हम लोग इतने दिन से बिजी थे शादी की तैयारियों में, शादी अटेंड करने में, बिकॉज वी वर इन्जॉइंग दोज मोमेंट्स। कुछ लाइफ में मोमेंट्स आते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जिसको आपको दिल खोल के इन्जॉय करना चाहिए, ना कि उसको भी मोनेटाइज करना चाहिए। हर टाइम आप कैमरा ऑन करके घूमते रहोगे तो फिर आप कहाँ से इन्जॉय करोगे? तो आपने देखा ही होगा हमने सारी चीज़ें इतने दिन से जो हम बिजी थे, छोटी 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 क्लिप्स है ना ऐड करके एक वीडियो कंपाइल किया, जिससे कि आपको पता चले कि वी वर लाइक रियली रियली बिजी, वी वर हैविंग गुड टाइम, क्योंकि वहाँ पे तो जाकर के वापस जॉब शुरू हो जानी है, बिजी स्केड्यूल हो जाना है, और कुछ टाइम निकाल के आपको एंजॉय करने के लिए मिलता है। लेकिन आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी हो कमेंट करिएगा, और आपसे बहुत जल्द मिलेंगे।